आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीच में जी एक कंट्रोवर्सी आ गई कि आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। इतने साल की जोड़ी, साथ, सानिध्य, क्या क्या दिन देखे, क्या क्या कंपोजिशन बनाई। अगर उचित लगे, अगर आपको जचे, मन कर रहा हो तो बताएं, और मन नहीं कर रहा हो तो कोई बात नहीं, आज तो आपका बर्थडे मना रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर जो बात है कोई नहीं है, इसमें पंचम और निखाद जी 3-4 हफ्ते के लिए, मतलब 1 महीने के लिए जी हम एक दूसरे बात नहीं किए जी, वो हमारे लाइफ में हमने दूर रहे। बाकी हर एक दिन सिर्फ संडे छोड़ के लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल साथ में ही रहते थे जी, सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक जी, शाम को 6 से लेकर 10 बजे तक, तो हम साथ में रहते थे। ये सिर्फ 1 महीना हम लोग, समझ 3 हफ्ते 1 महीना, उसके अंदर पंचम और निखाद जी। तो पंचम निखाद क्या है? पानी जी, पानी पानी। तो दुबई में हम शो कर रहे थे जी, तो अभी दुबई में शो चल रहा था हम लोग का, तो दुबई से हम लोग वहाँ पे शो के लिए गए, और इंटरवल के अंदर हम तो दोस्त हैं, हमेशा साथ में हैं, मैं लक्ष्मी बोला यार पानी मुझे पीना था यार, कोई मिल नहीं रहा, तुम जानते हो यहाँ पे, तुम बोल दो किसको। तो लक्ष्मी बोला ठीक है, और जो हम बात करते हैं ऐसे ही पानी, तो मैं लक्ष्मी बोला, तो लक्ष्मी ठीक है अब मैं बोल देता हूँ, पानी मिल जाएगा। तो उसका इंटरवल हो गया, फिर शुरू हो गया, फिर गाना चलते रहे, 5-6 गाने हुए, उसके बाद में शो ख़त्म हो गया। वहाँ से लक्ष्मी निकल के अपने चले गए, मैं और चले गया, मैं मेरी वाइफ, तो सुरेश वाड़कर वहाँ खड़े थे, तो सुरेश वाड़कर के हाथ में पानी की बाटली थी। तो मैं लक्ष्मी बोला था, लक्ष्मी भूल गया, ला पानी लिया मुझे, तो मैंने सुरेश से ये पानी लिया और पानी पिया मैंने, और नीचे गया। तो नीचे जाके मैं क्या देख रहा हूँ कि लोग बैठे हुए हैं, ड्रिंक्स चल रहा है जी, और पानी की बोतलें रखी हुई है और ड्रिंक्स भी रखे हुए हैं। तो मैं ऐसे उसमें बोला, मतलब मेरे मन में कुछ, मतलब कुछ ये नहीं था कि मैं उसको बोलूँ, मैं सिर्फ लक्ष्मी ऐसे हंसते हुए बोला, यार मैं तुझे बोला था पानी चाहिए, और यहाँ तो बैठ के मार रहा था, पानी पड़ा, तुम याद नहीं तुमको। तो किसी आदमी ने बीच में बोल दिया, क्या लक्ष्मी जी आपको पानी पिलाएंगे? मैं बोला ऐसा मेरा मतलब नहीं था, मेरा मतलब था बोलने के लिए, मैं बात किया, और लक्ष्मी बुरा भी नहीं लगा वो, लेकिन वो कुछ बात ऐसी निकली, लोगों ने भड़का दिया, जी, जी। तो वो एक बात निकली थी, तो बहुत छोटी बात थी, और एक गाना रिकॉर्ड करना था हमको, तो बख्शी साहब और हमारे सुभाष घई जी मिले, और जीवन प्रकाश जी आए थे, इन्होंने बोल के, और वो गाना कंपोज किया। फिर मैंने हंस के कहा, अभी पानी मंगाओ, और पानी मंगाया, मैंने लक्ष्मी को हार पहनाया, लक्ष्मी ने मुझे हार पहनाया, और लक्ष्मी ने मुझे पानी पिलाया। ये बात है महबूब स्टूडियो की, मैं बिल्कुल बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये बात है जी। इतनी सी बात हुई थी, लेकिन इसको खामा का इतनी बात को वो बढ़ा दिया था। लोगों को तमाशा दिखाने की आदत है, मसाला चाहिए दुनिया में, तो लोग क्या कर रहे थे इसको, मतलब थोड़ा ये बात को जरा सीरियस बना दिया था जी। मैंने भी कहते वक्त इसको जरा लाइट करके बताया आपको, खाली बात ये थी पानी की, कि लक्ष्मी मैंने इंटरव्यू में कहा था पानी नहीं है, तो मैंने जब शो ख़त्म हुआ मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे पानी तुम कहाँ निकल गए, यही मैंने कहा था जी। तो और उसके पे लक्ष्मी ने कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी ने अपने लाइफ में मुझे कभी नो वर्ड तो बोला ही नहीं। वो कौन सी सिंगर थी जो लक्ष्मी प्यारे को बाहों में उठा लेती थी? आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।